अब खबर उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां ठंड और बीमारी से अज्ञात अधेड़ युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज के काट रहा था चक्कर अधेड़ युवक। अस्पताल प्रशासन ने अधेड़ युवक का नहीं किया इलाज। लोगों का आरोप है कि कई दिनों से अधेड़ युवक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज के काट रहा था चक्कर और अस्पताल प्रशासन ने अधेड़ युवक का इलाज नहीं किया। स्वास्थ्य केंद्र और ठंड से इंतजाम का जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने निकल के आई है, जहां बीती रात अधेड़ युवक का सब मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन के काफी दिनों से वह युवक चक्कर काट रहा था और ठंड और बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फरुखाबाद। आपका अजय कुमार, कहाँ रहने वाले हो? इंद्रानगर कमालगंज फरुखाबाद। अच्छा, डेड बॉडी मिली है जी, आपको कैसे मालूम हुआ? सुना जब हम ड्यूटी पर आए तब। जब अच्छा कहाँ कहाँ बैठा था पहले, कहाँ घूम रहा था? पहले जो इतने बीच में घूम रहा था, ये यहाँ पड़ा था आग के पास, ये नंगा भी था, फिर इसको हमने इसकी पैंट ऊपर की, फिर इसको अंदर पता नहीं किसने कर दिया। नहीं, कई दिनों तो कहाँ घूम रहा था? लगभग 3 दिन के आसपास यही है। कहाँ पे? अस्पताल और शौचालय के आसपास घूमता रहता है, पागल है, और इसको पैरालिसिस भी है, चल फिर नहीं पाता है, कमर के बल चलता है बहुत। क्या ठंड ने इसकी मृत्यु हो गई क्या? पता नहीं, ये नहीं बता सकते, बीमारी से। अच्छा, ये कहाँ मिला, ये कहाँ पर है इस वक्त? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास शौचालय बना हुआ, ये किसी ने लिटा दिया इसको अंदर, ये ठंडा गया है, पता नहीं कहाँ का है। पता नहीं।